हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस के कुछ बेहतरीन प्रश्न, वो भी बिल्कुल ट्रिक से हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न दिया है दोस्तों, मैंने 12% मुनाफा लेकर एक वस्तु को बेचा, यदि इसे 18% अधिक लेकर बेचा होता तो 18% का मुनाफा होता, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। दोस्तों, क्रय मूल्य का मतलब होता है CP, यानी कि कॉस्ट प्राइस। अगर इसे हम मान लें 100%, क्या माने दोस्तों, 100% मान लें। ठीक है दोस्तों, तो बोल रहा है कि 12% मुनाफा लेकर वस्तु को बेचा है। 12% का मुनाफा यानी कि CSP, सेलिंग प्राइस जिसे हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, SP कितने क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा दोस्तों 112, यानी कि 112% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 112%। आगे बोल रहा है, अगर हम 18 रुपया अधिक लेकर बेचे होते हैं, यदि 18 रुपये अधिक लेकर बेचे होते हैं, अर्थात किस पर, अगर हम SP पर 18 रुपया अधिक लेकर बेचे होते हैं, अगर इस पे हम 18 रुपया अधिक लेकर बेचे होते हैं, इस परसेंट पर अगर हम 18 रुपये अधिक लेकर बेचे होते हैं, तो हमें कितना मिलता, 18% अधिक मिलता, किस पर, CP पर 18% मिलता, यानी कि 112% प्लस 18 बराबर 118% हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर हम घटा लें तो हमें मिल जाएगा 6%, 6% की वैल्यू हमें मिल जाएगी 18। ठीक है दोस्तों, 6% की वैल्यू हमें 18 मिल जाएगी, और हमें ज्ञात क्या करना है, CP ज्ञात करना है, 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 100% की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे तो 100% की वैल्यू हमें मिल जाएगी 300। ठीक है दोस्तों, 300 मिल जाएगी। जब 6 की वैल्यू दिया है 18, तो आप 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, 6% बराबर दिया है 18, 6% बराबर हमने कितना ज्ञात किया है, 18 ज्ञात किया है। ठीक है दोस्तों, तो 1% बराबर हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 3, तो 100% बराबर हो जाएगा कितना, 100% बराबर हो जाएगा, हम 100 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 300, और 100 को हमने कितना माना है, क्या माना है, CP, और CP हमारा आ गया 300। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा, किसी व्यक्ति ने 60% घाटा सहकर एक घोड़ा बेचा, यदि उसने 60% मुनाफा लेकर बेचा होता तो उससे 64 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। किसी व्यक्ति ने 60% का घाटा सहकर एक घोड़ा बेचा। अगर मान लें CP, अगर हम CP को मान लें, CP मान लें 100%। ठीक है दोस्तों, CP को मान लें 100%। ठीक है, तो इस पर 7% का घाटा सहकर उसने बेचा। 7% का घाटा का मतलब इसने वस्तु को 93% पर बेचा होगा। ठीक है दोस्तों, 93% पर बेचा होगा, लेकिन आगे कह रहा है अगर इससे 9% मुनाफा लेकर बेचते हैं, यानी कि अगर 9% का मुनाफा लेकर बेचें तो 109% पर बेचेगा, 109% पर बेचेगा दोस्तों, तो कितना मिलता, उसे 64 रुपये अधिक मिलते, यानी कि 64 रुपये अधिक मिलते। इसका मतलब यह है कि 93 से 109 हो रहा है परसेंटेज, तभी हमको 64 रुपये अधिक मिल रहे हैं, यानी कि 93 से 109 होने में 16% अधिक मिल रहे हैं हमें, और 16% की वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, 64 दिया है दोस्तों। कैसे, क्योंकि यह 16% ही हमें अधिक मिल रहे हैं। जब 16 की वैल्यू 64 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 हो जाएगी दोस्तों, और हमें चाहिए कितने की, हमें चाहिए CP दोस्तों 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 400। यह हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यह हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई बच्चा 16 रुपये में 9 संतरा खरीद के 20 रुपये में 11 के भाव से बेचता है, उसे कितने परसेंट हानि या लाभ हुई। दोस्तों, ऐसे सवालों को लगाने से पहले आप वीडियो को पॉज करिए, आप खुद से लगाइए, खुद से कोशिश करिए, तो इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ठीक है दोस्तों, इसे सॉल्व करते हैं। 16 रुपये में 9 संतरे खरीद के 20 रुपये में 11 के भाव से बेचता है, यानी कि 9 संतरों का CP, यानी कि 9 संतरों का CP, 9 संतरों का 9 का CP बराबर कितना हो गया, 11 का SP दोस्तों, SP हो जाएगा।
9 का सीपी कितना दिया है जो दोस्तों, कितना दिया है 16। तो प्राइस को हमेशा नीचे रखते हैं, ठीक है दोस्तों, प्राइस को हमेशा नीचे रखेंगे। और इसका कितना दिया है 11 का 20, ठीक है दोस्तों, इससे हम काटेंगे तो हमें मिल जाएगा, इससे हम डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा सीपी और एसपी का रेशियो। दोस्तों सीपी और एसपी का रेशियो कितना मिल जाएगा 16, ठीक है दोस्तों, इसे अगले पेज पर करते हैं। 16 सीपी और एसपी, दोस्तों सीपी और एसपी का रेशियो मिल जाएगा 16 गुणे 11, 11 अपान 9 गुणे 20, दोस्तों इतना मिल जाएगा। और इसे सॉल्व करेंगे तो 9 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो यह जाएगा 4 बार, और इसे काटेंगे तो यह 5 बार जाएगा दोस्तों, और यह हो जाएगा 44। मल्टीप्लाई करने पर यह हो जाएगा 45, ठीक है दोस्तों, यानी कि एस पी कितना मिल गया दोस्तों 44, और हमें सी पी कितना मिल गया दोस्तों 45, एंड एस पी हमें मिल गया 45, यानी कि 1 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी 44 में बेचने पर, 44 रुपये खरीद कर 45 में बेचने पर हमें 1 का लाभ हो रहा है। 1 का लाभ किस पर हो रहा है, सी पी पर हो रहा है। सी पी कितना है, सी पी दोस्तों कितना है 44, 44 पर लाभ हो रहा है 1 का, यानी कि इसका परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो यह 22 आ जाएगा यहाँ से, या 50 काटने पर 2 से, फिर 2 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 11, और यह आ जाएगा 25, यानी कि हमें कितना मिल गया 25/11 दोस्तों। यह कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए, तो यह हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन क्वेश्चन पर, ठीक है दोस्तों। यार अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति ने 250 रुपये में एक साइकिल खरीदी, वह कितने में बेचेगी 10% का लाभ हो, यानी 250 रुपये की साइकिल खरीदी, यानी सी पी उस पर कितना है 250 है दोस्तों, कितना है 250 रुपये का है, यानी सी पी हमको, सी पी को हम क्या कर सकते हैं 100% दोस्तों, हम 100% कर सकते हैं। जब 100% की वैल्यू दिया है 250, तो हमको बताइए 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 2.50 हो जाएगा, कि नहीं दोस्तों 2.5 हो जाएगा। और हमें 10% का लाभ करना है, किस पर, एस पी सी पी पर 10% का लाभ करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 110, और 110 की वैल्यू हमें चाहिए, तो 110 गुणे 2.5 अगर हम निकालेंगे तो दोस्तों, तो गुणा करेंगे 25 का गुणा करेंगे इसमें, 25 एकम 25 25 एकम 25 25 और 2 25 2 27, यानी कितना आ गया, 1 अंक पर 10 लगेगा, 275 रुपये दोस्तों आ गए। और यह किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। इस सवाल को फिर से मैं बता देता हूँ, किसी व्यक्ति ने 250 रुपये में साइकिल खरीदा, यानी कि सी पी उसकी कितनी है, सी पी को हम हमेशा 100% मानते हैं, 100% की वैल्यू कितना दिया है दोस्तों 250, ठीक है दोस्तों 250 दिया है, 250, ठीक। और इस पर 10% का लाभ ले रहा है, इस पर कितने परसेंट का लाभ ले रहा है दोस्तों, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, 100% सी पी है 250 रुपये का, 250 रुपये उसका क्रय मूल्य है, और उस पर 10% का लाभ ले रहा है, ठीक है, तो इस पर भी 10% का लाभ लेगा, इस पर भी 10% का लाभ लेगा, और इसका 10% कितना हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा, इसका 10% 25 हो जाएगा, यानी कि 110 की वैल्यू में, अब हम 110 की वैल्यू निकालेंगे तो 250 + 25 275 आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, अगर आपको क्वेश्चन का तरीका पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ठीक है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति 560 रुपये में एक साइकिल खरीदता है, यानी कि यहाँ पे खरीदता है, यानी कि सी पी, यानी कि 100% की वैल्यू कितना दिया है, 100% की वैल्यू दिया है 560 दोस्तों, 560 दिया है, और वह कितने में बेचे कि उसे 10% की हानि हो, यानी कि 10% हानि का मतलब कितने में बेचेगा, 90 में बेचेगा दोस्तों, 90 में बेचेगा, और यहाँ पे 10% का मतलब कितना हो जाएगा 56, 10% मतलब 56 हो जाएगा, तो यहाँ से 90 का मतलब यहाँ से कम 56, 560 में से अगर हम 56 घटा दें दोस्तों, 56 घटा दें तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 4 हमारे अंत में लास्ट वाले में किस ऑप्शन में दिया है, आखिरी में 4 किस ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन में, हमें आगे घटाने की जरूरत ही नहीं है, इस ऑप्शन को हमारा सी ऑप्शन मिल गया, आप घटाएँगे तब भी आपको 504 आपको मिल जाएगा दोस्तों, आप घटा के देख लीजिएगा 504 मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में को मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ,
560 रुपये में एक साइकिल ख़रीदा जाता है, यानी कि 100% की वैल्यू। सीपी को हम 100% मानते हैं, 100% की वैल्यू 560 दिया है, 560 यानी कि इस पे 10% की हानि हो रही है, यानी कि 90 रुपये का 90% का बिक रहा है। और इस पे 10% की हानि कितना हो जाएगा दोस्तों, 56 हो जाएगा। तो 10% हम यहाँ से घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 560 में से अगर हम 56 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 504 दोस्तों, जो कि सी ऑप्शन में है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह पांचों प्रश्न आसानी से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो में कोई भी कमी रही हो दोस्तों तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।